जय श्री राम बोल है ना, जय श्री राम बोल आई। उन्होंने बोला अच्छा जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। छीना चपटी का वो बनाया है केस, मॉब लिंचिंग नहीं लिखी है। अब फिर वहाँ से फिर हम पता चला कि उनको तो सब मार दिया जान। यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज जल्द से जल्द दोषियों को सजा दे। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। एक बार फिर जय श्री राम का नारा बुलवाने का मामला सामने आया है। 45 वर्षीय कैब ड्राइवर आफताब आलम को जय श्री राम बोलने को कहा गया और आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। दरअसल घटना 2 दिन पहले घटी है। सवारी बन के कैब में बैठे और कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। दरअसल दिल्ली के रहने वाले 45 वर्षीय एक कैब ड्राइवर आफताब आलम के बेटे के आंसू थम नहीं रहे हैं। रविवार नोएडा के बादलपुर में कुछ लोगों ने हत्या कर दी। आफताब आलम एक सवारी छोड़कर वापस आ रहे थे घर, जिसमें 3 लोगों को गाड़ी में बिठाया था और बेटे का कहना है पिता ने फोन लगाया था, जिसको बेटे ने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें उस कॉल रिकॉर्ड में पीछे से जय श्री राम के लिए बोलते हैं, नारे लगाने की बात करते हैं और फिर उन्हें बुरी तरह मारा जाता है। लेकिन पुलिस इस मामले में आपराधिक घटना बता रही है। पुलिस के मुताबिक किराए को लेकर ये हत्या हुई है और अपराधी किसी दुकान वाले से कह रहे हैं। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और तो और अब तक किसी आरोपी की पहचान तक नहीं कर पाई है। पुलिस को CCTV फुटेज मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश चल रही है। आई जय श्री राम बोल है ना, बोल जय श्री राम बोल। आई आई बोल जय श्री राम। उन्होंने बोला अच्छा जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। हमारे घर में वही गार्जियन थे मेरे, हम अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सब अभी स्टूडेंट है। हमारे घर में इनकम सोर्स के अब जरिया नहीं है, हम परेशान है बुरी तरह। तो उन्होंने इसे उस छीना चपटी का वो बनाया है केस, मॉब लिंचिंग नहीं लिखी है, लेकिन एक क्लियर क्लियर मॉब लिंचिंग का है। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी, बाबरा मैं इतने से उम्र में हम बेवा बन गए, इतने से उम्र में हम बेवा बन गए। अब फिर वहां से फिर हम पता चला कि उनको तो सब में मार दिया जान से। मॉब लिंचिंग का मामला है, यूपी सरकार इस पे जो करेगी करेगी। योगी आदित्यनाथ हमारे बहुत ज्यादा बहुत स्टड बनते हैं तो जितने भी थे उनका एनकाउंटर होना मॉमटन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं है, हमें भी अधिकार है जीने का। तो हमें योगी सरकार जो यूपी में है, यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जल्द से जल्द दोषियों को सजा दे, मुझे जस्टिस दिलाएं। ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो दिल्ली से गुड़गांव से सवारी लेकर के और बुलंदशहर भोड़ चौराहे के पास गया है, वहाँ उसको छोड़ा और उसके बाद इसने बिना बुकिंग के सवारी बिठाई और सवारी बिठा करके ला रहा था। जो टोल प्लाजा हमारा वहाँ पे भी जो है ये कुछ लोग उतर करके इस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, टोल देने को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है। उसके बाद जो है वो इसकी जब घायल अवस्था में बॉडी मिली तो हमने इसको अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। चूँकि घटनास्थल चूँकि ये बुलंदशहर का था, उसके बावजूद भी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। परिवार का कहना है उन्हें जय श्री राम कहकर मारा गया, ये धार्मिक आधार पर हत्या की गई है। पुलिस कह रही है इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपराधिक घटना है, किराए को लेकर विवाद हुआ और जान से मार दिया गया, यानी कि मौत तो हुई है और 2 दिन बीत गए हैं। घटना को पुलिस अब तक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाई है, जबकि उनका कहना है उनके पास CCTV फुटेज भी है, आ गया है। जो दोषी हैं वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।